रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में रात को चोरों ने दो दुकानों के ताले तोड़े, जिनमें से एक परचून की दुकान पंकज कुमार रामोतार सिंगल की दुकान से 20,000 रुपए से अधिक के नोट और करीब 1500 रुपए की खैरिज चोरी कर ली और दूसरे पप्पू पुजारी के होटल के ताले तोड़े, लेकिन नकदी नहीं मिली। चोरों ने केवल नकद राशि की ही चोरी की है। परचून दुकान के मालिक रामोतार सिंगल ने बताया कि मैं रामगढ़ रहता हूँ, मुझे ग्रामीण संजय सिंगल ने फोन कर सूचित किया कि मेरी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैंने आकर दुकान का सामान देखा जो कि सही सलामत मिला, लेकिन गल्ले में रखी नकदी और सिक्के चोरी हो गए। 20,000 रुपए के नोट और 1500 रुपए की खैरिज चोरी हो गई। इधर दूसरी पप्पू पुजारी की होटल से सामान तो चोरी नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में बाजार में जब भी चोर आए हैं होटल के हर बार ताले टूटे हैं। पुलिस चौकी पर सूचना देने पर चौकी इंचार्ज हरिराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू करते हुए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें रात्रि 1:30 बजे के बाद दो आदमी बाजार से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय ने फोन किया था 6:30 बजे की बाबा तुम्हारे ताला टूटे पड़े, दुकान खुली हुई पड़ी, किवाड़ा हो रहा है और उसमें हमारी नकदी गई है, हमारे खेरी 1,500 की थी, 20,000 थे हमारा नकद गया, बाकी सामान सारा सुरक्षित है। एक तो हमारी 700 की गड्डी है, तो 10 की गड्डी 1,000 की है और 50 की 5,000 की है और बाकी हमारे जो दूसरे के हैं 100 के 4,000 बाहर के छोटे गले में थे, 20-22,000 रुपये मतलब नकद गए। पुलिस को सूचना आपने दी या गांव वालों ने दी? सूचना मैंने जी टी साहब में गया था। अच्छा, आ गई पुलिस मौके पर? आ गई, मौके पर आ गई, कोई देख रही जांच कर।